स्कीम के तहत पहली बार एमपी में तीन लोगों को नागरिकता मिली है। सीएम मोहन यादव ने तीन विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। सीएम ने इन लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार तीन विदेशी नागरिकों को नागरिकता मिली है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने इन लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा है। अब ये तीनों लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा है कि पीएम मोदी ने इस कठिनाई का निवारण किया है। पीएम मोदी ने सीए के जरिए सुरक्षा की छतरी देने का काम किया है, साथ ही उन्होंने इन लोगों को हर संभव मदद देने की बात कही है। कि मूल रूप से ये विदेशी नहीं है, ये मूल रूप से उस अखंड भारत के इस देश के हिस्सा है। इनका कष्ट इतना ही था कि तत्कालीन सरकारों के भरोसे से ये वहां रह गए थे। भाव ये कि हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ये केवल अपने धर्म को बचाने के लिए अपने मूल देश में आते हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था और मध्य प्रदेश के अंदर मैं इनका स्वागत करूंगा। इनके जैसे और भी जो लोग आएंगे उन सबका भी स्वागत करेंगे। सीएम मोहन यादव ने नागरिकता का पहला सर्टिफिकेट समीर, दूसरा संजना मेलवानी और तीसरा सर्टिफिकेट राखी दास को दिया है। इसमें दो पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी को नागरिकता दी गई है। समीर और संजना मेलवानी दोनों भाई बहन हैं और पाकिस्तान में पैदा हुए थे। 2012 से वो यहाँ रह रहे थे। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन मई में किया गया था। राखी दास बांग्लादेश से आई हैं और उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया गया है। भारत के नागरिक बनने के बाद समीर मलवानी, संजना मलवानी और राखी दास ने भारत सरकार का आभार जताया है। पहले मम्मी पापा ने किया था, उनको टाइम लग गया था, 2 साल लग गए थे उनको। फिर अभी जो ये सीए नागरिकता जो अभी आई है, जब ये सीए नागरिकता जो अभी आई है उसके चक्कर में बहुत जल्दी हो गया हमारा 2 महीने में अभी हो गया। तो मतलब ये बहुत अच्छा है, ये जो अभी सरकार ने निकाले की था, बट एक वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इंडियन है, बट ये मिलने से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हम अब इंडियन है। तो ये चेंजेस है और आगे मतलब पढ़ाई में भी और जॉब वगैरह में भी उसमें बहुत मतलब दिक्कतें आती अगर ना हो पासपोर्ट या सर्टिफिकेट वगैरह, तो उस वजह से अब सही लगेगा, आगे के लिए काम आएगा। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें गैर मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, ईसाई, सिख कम्युनिटी को देश में नागरिकता दी जा रही है। ये कानून सरकार ने लोकसभा चुनावों के पहले लागू किया था। इसके तहत कई लोगों को देश में नागरिकता दी गई है। टीम न्यूज स्टे। फ्लैगशिप योजनाओं और फ्री बीच के कारण